एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मध्य प्रदेश के मेले। मध्य प्रदेश के जो मेले हैं आज मैं आपको MCQs के थ्रू पढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती जाऊंगी और कुछ ट्रिक का उपयोग भी करेंगे जिससे आपको ये मेले लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? ये जो शिवरात्रि का मेला है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में लगता है। अब इसे याद करने का सबसे इजी वे है, शिव क्या है? अमर। शिव अमर है। शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? अमरकंटक में लगता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला कहाँ लगाया जाता है? तो व्यापारिक मेला जो लगता है वो ग्वालियर में लगता है। इसे याद कैसे करेंगे? जो व्यापारी होता है वो व्यापार के लिए क्या लेके जाएगा? कुछ सामान लेके जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो व्यापार में वो क्या करेगा? उसे बेचेगा, मतलब उसने सारा सामान क्या कर दिया? गवा दिया। तो ग्वालियर। तो व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है। इस मेले की जो शुरुआत है वो तत्कालीन शासक, तत्कालीन मतलब होता है उस समय, माधवराव सिंधिया ने 1905 में की थी। और ये जो मेला शुरू हुआ था ये पशु मेले के तौर पर शुरू हुआ था। हाल ही में GTFA द्वारा मेला परिसर में कला निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई। यह शहर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण मध्य प्रदेश सरकार की एक नोडल एजेंसी भी है। अगला क्वेश्चन है, धामोनी का उर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका सही आंसर है सागर जिले। सागर जिले में एक स्थान है धामोनी। तो इसे कैसे याद करेंगे? सागर मतलब समुद्र, और समुद्र में कोई चीज जाती है तो आवाज कैसी आती है? धम। तो धामोनी में कौन, धामोनी कहाँ लगता है? सागर में लगता है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यह ऐतिहासिक क्यों है? तो यहाँ पर दो मुस्लिम संतों बालजीत शाह, बालजती शाह और मस्ताना अली शाह की क्या है? मज़ारें हैं। यहाँ जो मेला लगता है हर साल मार्च अप्रैल के महीने में लगता है, और ये जो मेला होता है वो 6 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, पीर बुधन का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो जो पीर बुधन का मेला है वो लगता है शिवपुरी में। कहाँ लगता है? शिवपुरी में। इसे क्या याद रखेंगे? पीर, पीर से आप खीर समझ लो, खीर पूरी, खीर पूरी। तो शिवपुरी, बुध एक भगवान है तो शिव भी क्या है? एक भगवान। तो पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। यह मेला अगस्त सितंबर में लगता है। जो ये मेला है पीर बुधन की स्मृति में लगाया जाता है, और यहीं पर पीर बुधन का क्या है? मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल विहार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका छतरपुर। अब इसे ध्यान से समझना, जल विहार। अब जल जब गिरता है, जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश में आप किस चीज का उपयोग करते हैं? छतरी का। तो जल विहार मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। यह मेला अक्टूबर नवंबर माह में दशहरा और दीपावली के बीच लगता है, जो लगभग 15 दिन का मेला होता है। तो ये मेला कब तक चलता है? 15 दिन तक चलता है लगातार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये जो चंडी देवी का मेला है ये लगता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे? चंडी देवी कौन है? जिन्होंने राक्षसों का क्या किया था? अंत किया था। तो इसे याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, चंडी देवी ने सीधा घोर कर पी लिया था। किसको? राक्षसों को। तो सीधी चंडी देवी ने सीधा क्या किया था? घोर कर। और जो घोर कर मैंने बोला, तो जो सीधी जिला है, सीधी जिले का घोघरा एक क्षेत्र है, वहां पर ये मेला लगता है। यह मेला मार्च से अप्रैल के बीच लगता है। यह एक धार्मिक मेला है। कहा जाता है जो चंडी देवी है ये पार्वती का अवतार है। अगला क्वेश्चन है, प्राणनाथ जी का मेला किस दिन लगता है? तो प्राणनाथ जी का मेला लगता है शरद पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? शरद पूर्णिमा के दिन।
अच्छा ये भी पूछा जाता है कई बार कहाँ लगता है, तो प्राणनाथ जी का मेला लगता है पन्ना में। जो प्राणनाथ जी है महाराजा छत्रसाल के गुरु और प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे? प्राणनाथ जी को पन्ना पन्ना से याद करना। हमें जो पन्ना पन्ना मतलब एक कीमती वस्तु है, वो हमें कैसे प्रिय होती है? प्राणों से प्रिय। अगर आपके पास हीरा सोना चांदी है तो वो कैसे प्रिय है? बहुत ही प्रिय। तो पन्ना प्राणनाथ जी, प्राणों से प्रिय पन्ना। अगला क्वेश्चन है, नागाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाता है? इसका आंसर है मुरैना। तो नाग मतलब जानते ही आप, और मुरैना तो मुड़ते तो है, और ये कह रहे नागाजी का जो मेला है मुरैना, तो मुड़ना, ठीक है, मुड़ना। इससे आपको याद हो जाएगा कि नागाजी का मेला कहाँ लगाया जाता है, मुरैना। यह जो नागाजी है मुगल बादशाह अकबर के समय के एक महान संत रहे हैं, और उन्हीं की स्मृति में यह मेला मुरैना में लगाया जाता है। जब यह मेला शुरू हुआ था तो यहाँ पर बंदर बेचे जाते हैं, लेकिन अब सभी प्रकार के पालतू पशु बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जागेश्वरी नाथ धाम का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर है दमोह। अब इसे कैसे समझेंगे? और दमोह में भी कहा बांदकपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? जागेश्वरी मतलब माता रानी है, देवी, और नाथ मतलब भोलेनाथ। जागेश्वरी और नाथ के बीच में क्या है? मोह। क्या है? मोह। तो मोह से क्या हो गया? दमोह। और ये मोह में क्या है? बंधे हुए, बांदकपुर। तो जागेश्वरी नाथ धाम का जो मेला है ये दमोह के कहाँ लगता है? बांदकपुर में। कहा जाता है कि जो यहाँ पर भोलेनाथ जी हैं वो जागृत अवस्था में हैं। अगला क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगाया जाता है? तो इसका आंसर है रीवा जिला। रीवा जिले में बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय का मेला लगाया जाता है। यह बघेल खंड का एक प्रमुख धार्मिक मेला है। अगला क्वेश्चन, भांडेर का रामलीला का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर है दतिया। ध्यान से समझना, आप भंडारे में जाते हैं, खाना किससे खाते हैं? दांत से। किससे खाते हैं? दांत से। तो भांडेर का रामलीला का मैदान कहाँ लगता है? दतिया। दतिया में एक तहसील है भांडेर, तो वहां पर ये मेला लगता है। यह जो मेला है ये जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। यह मेला 100 वर्षों से लगता चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो जागेश्वरी देवी का मेला लगता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर। अशोकनगर में एक चंदेरी स्थान है, तो वहां पर ये मेला लगता है। अब इसे याद करना बिल्कुल इजी है। देवी जी क्या पहनती हैं? साड़ी। और मध्य प्रदेश की साड़ियां कहाँ की फेमस हैं? चंदेरी की। तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी। अगला क्वेश्चन है, कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो कुंडेश्वर का मेला लगता है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में। यह मेला मकर संक्रांति, शिवरात्रि और डोल 11 के पर्व पर मुख्य रूप से लगता है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो कुंडल मतलब क्या होता है? आपको पता है जो कान में पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुंडल। और टीकमगढ़, टीका कहाँ लगता है? टीका लगता है आपके माथे पर। तो कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा, सिंहस्थ मेला जिसे कुंभ का मेला भी कहा जाता है। अच्छा बताइए कहाँ लगता है? सबको पता है ये लगता है उज्जैन में। अगर पूछा जाए कि यह मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो आंसर क्या होगा? शिप्रा नदी के किनारे यह मेला लगता है। यह मेला हर 12 साल के अंतराल में लगता है। और आपको पता है जो कुंभ का मेला है भारत में कितनी जगह लगता है? चलिए इसका आंसर कमेंट में आप देंगे कि जो कुंभ का मेला है भारत में कितने स्थानों पर लगता है, और उसके नाम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है?
तेजा जी का मेला लगता है गुना जिले में। अब इसे कैसे याद करेंगे? जो भी वीर व्यक्ति होते हैं उनमें तेज होता है, और तेज कैसा होता है? कई गुना। तेज कैसा होता है? कई गुना। तो तेजा जी का मेला गुना। अगला क्वेश्चन है, बरमान का मेला, बरमान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर सबको पता है, नरसिंहपुर। कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। अच्छा, अब ये किस नदी के किनारे लगता है? सबको पता है ये नर्मदा नदी के किनारे। और यह जो मेला लगता है ये मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। कितने दिन का मेला होता है? तो ये 13 दिन का मेला होता है। अब इसे याद कैसे करेंगे? बर, बर कौन होता है? नर होता है। क्या नारी कभी बर होती है? नहीं, बर मतलब नर। तो बरमान नरसिंहपुर। अगला क्वेश्चन है, मठ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो मठ घोघरा का मेला लगता है मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में। इसे कैसे याद रखना है? मठ किसका है? शिव का। मठ किसका है? शिव का है। तो मठ घोघरा का मेला शिवनी जिले में लगता है। यह जो मेला है शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिन के लिए लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जटाशंकर का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका सही आंसर क्या है? छतरपुर। छतरपुर जिले में बिजावर एक स्थान है, वहां पर जटाशंकर एक तीर्थ स्थल है। यहाँ हर अमावस्या को मेला भरता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेला है वो भरता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और जो यह मेला है यह 3 दिन तक लगातार चलता है। अगला क्वेश्चन है, गदर्व मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? गदर्व मेला, गदर्व का मतलब होता है गधा। तो गधा मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? इसका आंसर है उज्जैन। यह मेला छिप्रा के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर से होती है जो 1 महीने तक चलता है। अच्छा, इस मेले की खासियत क्या है? इस मेले में गधों की खरीदी और खरीदते हैं और बेचा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरा भूमिया मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आंसर है गुना। कैसे याद रखेंगे? हीरा एक क्या है? बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जब वो कई गुना हो जाता है तो कहाँ मिलता है हमें? भूमि में। तो हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है? अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन औलिया का उर्ष मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर है नीमच। नीमच में फरवरी माह में शहाबुद्दीन औलिया का उर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो उर्ष है 21 से 24 फरवरी के बीच साल में 4 दिनों के लिए लगता है। यहाँ पर बाबा शहाबुद्दीन की मजारें भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी निवाड़ जिसे आप खरगोन कहते हैं, पश्चिमी निवाड़ में इनमें से कौन सा मेला पहले लगता था? सिंगा जी का मेला, कालू जी का मेला, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, खरगोन में सिंगा जी का मेला और कालू जी दोनों मेला लगते थे। अब ये क्वेश्चन कैसा लगता था? क्योंकि ये दोनों ही मेले वर्तमान में अब नहीं लग रहे हैं। जो कालू जी का मेला है यह लगभग 1 महीने चलता था कालू जी महाराज का, और जो सिंगा जी का मेला है ये लगभग 1 सप्ताह चलता था। लेकिन ये दोनों ही मेले डूब क्षेत्र में आने के कारण अब वर्तमान में नहीं लगते। अगला क्वेश्चन है, ओरछा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? सबको पता है ओरछा कहाँ है, पहले टीकमगढ़, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? ये निवाड़ी, निवाड़ी जिले में आ गया है ओरछा। तो ओरछा का मेला लगता है निवाड़ी में। जो ये मेला है ओरछा में सावन तीज के अवसर पर लगता है, और यह मेला 2 दिन तक लगातार चलता है। इसके अलावा ओरछा में रामनवमी और राम विवाह पर भी मेले लगते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बनैनी घाट मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो जो बनैनी घाट मेला है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी के तट पर लगता है। ये राहतगढ़ एक स्थान है सागर में, वहां पर ये मेला लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाता है। अब इसे याद कैसे करेंगे? बनैनी, बनैनी और बीना लगभग एक सा है, बनैनी और बीना। तो बनैनी घाट पर बीना नदी से हमें क्या मिलती है? राहत मिलती है। कहाँ पर? बनैनी घाट पर बीना नदी से क्या मिलती है? राहत। तो इससे याद हुआ बनैनी घाट मेला कहाँ लगता है? राहतगढ़ में बीना नदी के। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर है छतरपुर जिले में चरण पादुका का मेला लगता है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के समय इस स्थान पर आए थे और यहाँ उनके चरण चिन्ह हैं। इसलिए इस मेले का नाम क्या रख दिया गया? चरण पादुका मेला। अगला क्वेश्चन है, मांधाता मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो मांधाता मेला लगता है खंडवा जिले में। अगला क्वेश्चन है, रहस मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह लगता है मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा में। गड़ाकोटा एक स्थान है, जिला कौन सा है? सागर। यह जो मेला है प्रतिवर्ष वसंत पंचमी को लगता है। यह मेला लगभग एक माह तक चलता है। यह जो मेला है याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम मेला है। इस मेले को 1785 में, कब? 1785 में मर्दन सिंह रामक राजा द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मड़ई मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो याद रखना यह जो मेला है ये मध्य प्रदेश के दो जिले में लग रहा है, मंडला और डिंडोरी। कहाँ? मंडला और डिंडोरी में लगता है। यह जो मेला है वहां निवास करने वाली जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। यह दो दिवसीय मेला होता है और इस मेले में बकरे की बलि देने की प्रथा भी है। चलिए, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है चंडी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। ठीक है, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूं, आपको पूरा वीडियो देखकर बताना है चंडी देवी का मेला किस जिले में लगता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूजफुल है, तो आपको इसे क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।